ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, वैक्सीन्स जो होती हैं कैसे काम करती है। आजकल चल रहा है ना मार्केट में कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कितने समय में आएगी, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बट वैक्सीन्स जब बन जाती हैं उसके बाद काम कैसे करती है। तो एडवर्ड जेनर का नाम सुना है तुम लोगों ने, है ना? सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, मतलब उसको मेडिकली पब्लिश किया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर। बट उससे पहले भी लोगों के पास नॉलेज थी वैक्सीन्स के बारे में। अगर तुम पुराना लिटरेचर उठा के देखोगे तो जैपनीज लोग जो होते थे ना, वो क्या करते थे, जैपनीज मॉन्क्स, जैपनीज साधु, वो लोग क्या करते थे कि स्नेक का पॉइजन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेते थे, उसके बाद वो स्नेक के काटने से रेजिस्टेंट हो जाते थे। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स का भी चाइना में, एशियन कॉन्टिनेंट में लोग क्या करते थे, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे कुछ स्कैब लेते थे, ठीक है, और उसको हेल्दी बच्चों में रब करते थे। उसके बाद क्या होता था, कुछ बच्चे बच जाते थे, कुछ बच्चे उसकी वजह से मर भी जाते थे, पर मेजॉरिटी बच्चे जो हैं बच जाते थे। और जब वो बच जाते थे तो उसके बाद उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने क्या ऑब्जर्व किया था, ऐसे ही जैसे स्मॉल पॉक्स होता था ना पहले, अभी तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का बांग्लादेश में पाया गया था 70s या 80s में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट उसके बाद स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। बट एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि जो मिल्कमेड्स होती हैं, मिल्कमेड्स मतलब दूध दुहने वाली जो होती है, ठीक है, वो काओ में भी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं काओ पॉक्स। ठीक है, तो जिस गाय को काओ पॉक्स होता था और जो मिल्क मेड्स होती थी जो दूध निकालती थी, उनको काओ से काओ पॉक्स ट्रांसमिट होता था, उनको थोड़ी देर के लिए फीवर आता था, ठीक है, और थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस होता था, बट कुछ समय बाद, और उनमें ये देखा गया था कि उन लोगों को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती थी। स्मॉल पॉक्स से ना यूरोप में कई लाखों लोग मरते थे पहले हर साल, बहुत डेंजरस बीमारी थी। बट एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया जो मिल्कमेड्स दूध निकालती हैं उनको, जिनको काउ पॉक्स हुआ हुआ है, उनमें काउ पॉक्स की वजह से थोड़ी सी बीमारी होती थी उनमें, बट उसके बाद उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया जो आज के टाइम में बहुत अनएथिकल बोला जाएगा, उसने अपना गार्डनर, माली जो था उसका, उसके बेटे को, 8 साल के बेटे को, उसने वो स्कैब लेके आया, ठीक है, काउ पॉक्स का, और उसको इनोकुलेट कर दिया बच्चे को। ठीक है, बच्चे को थोड़ा माइल्ड फीवर आया, थोड़ा डिस्ट्रेस हुआ, बट उसके बाद ये ऑब्जर्व किया उसने कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स आगे नहीं होगा। उस टाइम लोगों को मैकेनिज्म नहीं पता था, वैक्सीन का क्या मैकेनिज्म है ये नहीं पता था, बट ये रिपोर्ट एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी मेडिकल जर्नल में। ठीक है, तो इसलिए हम वैक्सीन फादर ऑफ वैक्सीन भी बोलते हैं एडवर्ड जेनर को, क्योंकि मेडिकली साइंटिफिकली उन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं। हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का होता है, एक होता है इननेट इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, इननेट पहले से ही हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको बोलते हैं इननेट इम्यून रिस्पॉन्स। अब जब जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना सबसे पहले कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच में मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये इननेट इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, हमारे जो आंसू निकलते हैं जब भी कोई इरिटेंट आंख में चले जाता है, आंसू से वॉश आउट हो जाता है, वो भी इननेट इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। हमारी स्किन जो है वो एक बैरियर है, ठीक है, बैक्टीरिया को, वायरस को अंदर घुसने नहीं देती, वो भी एक इननेट इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, और ऐसे ही हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ब्लड में करते हैं ना ब्लड काउंट, उसमें देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इननेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो इननेट इम्यून रिस्पॉन्स कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, इननेट इम्यून रिस्पॉन्स कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता, वो पहचानता नहीं है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है,
वो जस्ट उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको हमारी बॉडी लर्न करती है और एक्वायर करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम किसी को वैक्सीन देते हैं, दैट इज अ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बाद उसकी मेमोरी बन जाती है, उसके बाद दोबारा से वो अटैक करेगा तो हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, तो वो हो गया एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। अब एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। सपोज पोलियो की वैक्सीन भी किसी को हमने दे दी, या फ्यूचर में कोरोना वायरस की अगर वैक्सीन बन जाती है, ठीक है, जो अभी कोविड 19 चल रहा है, हालांकि कुछ कोरोना वायरस जो एनिमल्स में होता है, ठीक है, उसकी वैक्सीन ऑलरेडी है। IBV एक डिजीज होती है पोल्ट्री में, कोरोना वायरस डॉग्स में भी होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन हैं। तो कोरोना वायरस की किसी को वैक्सीन दे दी या फिर पोलियो की किसी को वैक्सीन दे दी, दोबारा से अगर पोलियो का वायरस अटैक करेगा तुम्हारी बॉडी में, तो तुम्हारी बॉडी उसको पहचान लेगी कि ये पोलियो का वायरस आ रहा है, उसको अटैक करके एलिमिनेट करना है। तो जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्पेसिफिक होता है, वेयर इज इननेट इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉन स्पेसिफिक। इतना समझ आ गया, ठीक है। बट बिना इननेट इम्यून रिस्पॉन्स के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं तुमको बताता हूँ क्यों नहीं होता, ठीक है। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो हम बोलते एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीजन क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है उसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीजन भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एंटीजन बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज जैसे हम लाइव वैक्सीन यूज करते हैं, पोलियो की जो वैक्सीन यूज करते हैं ना, दो गुण जिंदगी की, वो लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन क्या होते हैं? इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू, देखो दुश्मन जो है, ठीक है, वो जितना ज्यादा छुप के भेस बदल के आएगा उसको पहचानना उतना मुश्किल है, ठीक है। बट अगर खुलेआम आएगा दुश्मन बॉर्डर पे तो उसको पहचान सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो लाइव वायरस में, लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन वायरस होता है बट उसको वीक कर दिया जाता है, उसको एटेनुएट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट एट द सेम टाइम हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसको पहचान के एलिमिनेट कर देता है और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना देता है, मेमोरी बना देता है, ताकि आगे से उस तरह का कोई वायरस अगर अटैक करेगा तो उसको वो एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो कुछ एंटीजन अच्छे होते हैं जो कि बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, वेयर एज सम एंटीजन आर वीक एंटीजन, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर पे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो किसी और दिन मैं तुम्हें बताऊंगा। बट पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ पॉलीसेक्राइड एंटीजन का, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स बैक्टीरिया की सेल वॉल्स में होता है ये पॉलीसेक्राइड, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एंटीजन बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड एंटीजन, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड एंटीजन जब आप बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये तो पता है तुम लोगों को, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में मैच्योर होते हैं, दोनों लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं थाइमस में मैच्योर होते हैं। जो हमारे पास न्यूड माइस है उसमें क्या नहीं होता, टी लिम्फोसाइट्स नहीं होते, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। हमारे पास न्यूड माइस है ना, तो उसमें टी लिम्फोसाइट्स नहीं होते, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड एंटीजन क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जाते हैं बॉडी में और बी सेल्स के ऊपर जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं पॉलीसेक्राइड एंटीजन डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बी सेल्स, बहुत सारी बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। ये बी सेल्स आपस में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। ये बी सेल्स बहुत सारी आपस में जाके मिल जाती हैं। जब बहुत सारी बी सेल्स आपस में जाके मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी में
एंटीजन क्या है? देखो पूरा बैक्टीरिया जो है, हमें बैक्टीरिया पूरा वायरस या पूरा बैक्टीरिया हमारे बॉडी को पूरा बैक्टीरिया को नहीं आइडेंटिफाई करता, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करता है मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो कि जाके उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। एंटीजन क्या है? उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस का या कोई प्रोटोजोन डिजीज भी है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। एट द सेम टाइम कुछ बी सेल्स जाके स्प्लीन का जो रेड पल्प होता है, वहां पर जाके रुक जाती है कुछ बी सेल्स। ठीक है, और कुछ समय तक सपोज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो दोबारा से अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बट ये जो आपने रिस्पांस देखा इसमें कहीं टी सेल्स बीच में आई नहीं है, तो ये है टी इंडिपेंडेंट बी सेल रिस्पांस बोलते हैं इसको। ठीक है, टी इंडिपेंडेंट बी सेल रिस्पांस। इसमें इम्यून रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं होता है, और जो ये मेमोरी होती है ना, मेमोरी स्प्लीन में जाके कुछ टाइम बाद वो एलिमिनेट हो जाती है। मेमोरी बी सेल्स भी जाके स्प्लीन से कुछ टाइम में एलिमिनेट होती है, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी देती है। ठीक है, और इम्यून रिस्पांस भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये हो गया टी इंडिपेंडेंट बी सेल रिस्पांस। अब बात करते हैं हम गुड एंटीजन्स की। कुछ गुड एंटीजन्स जैसे प्रोटीन्स, ठीक है, जो प्रोटीन एंटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये प्रोटीन एंटीजन है सपोज, ठीक है, ठीक है। जब बॉडी में हम वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने तुम्हें अभी बताया था ना कि बिना इननेट इम्यून रिस्पांस के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली। ठीक है, तो वैक्सीन्स जो काम करती हैं वो बिना इननेट इम्यून रिस्पांस के नहीं काम कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सबसे पहले जब एंटीजन हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो उस साइड पे बहुत सारी सेल्स, इननेट इम्यून रिस्पांस की सेल्स माइग्रेट करती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स। टोटल ब्लड काउंट करते हैं हम, ठीक है, उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एकदम से साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, और डेंड्राइटिक सेल्स भी होती हैं कुछ, वो साइड पे आ जाती हैं। ठीक है, तो मेनली इन एंटीजन्स को प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, इनको प्रोसेस करना पड़ता है, इनकी तलाशी लेनी पड़ती है एंटीजन्स को। जब दुश्मन बाहर से आएगा तो उसकी तलाशी लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर पुलिस को बताना पड़ता है कि ये किस तरह का दुश्मन है, उसको कौन सी सजा दी जा सकती है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, और ये डेंड्राइटिक सेल्स माइग्रेट करती हैं। वो जो डेंड्राइटिक सेल्स के होती हैं वो इस एंटीजन को एनगल्फ कर लेती है। ठीक है, ये डेंड्राइटिक सेल ने एंटीजन को एनगल्फ कर लिया। उसके बाद क्या करती है, ये एंटीजन को प्रोसेस करती है डेंड्राइटिक सेल्स, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सपोज बोल सकते हो डाइजेस्ट कर लेती है एंटीजन को। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर। ठीक है, उसके बाद ये जो एंटीजन को उसने प्रोसेस किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने अंदर प्रोसेस किया, ठीक है, इसको वो अपने सरफेस पे प्रेजेंट करती है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एंटीजन, टाइप ऑफ एंटीजन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जब प्रोसेस करती है, देखो हमारे बॉडी में दो तरह के पैरासाइट्स और दो तरह के पैथोजेंस अटैक करते हैं। एक होते हैं इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, जितने भी वायरसेस हैं, ठीक है, वो सारे इंट्रासेलुलर पैथोजेंस हैं, क्योंकि वायरस जब सेल से बाहर होता है तो वो ऑलमोस्ट इट्स नॉन वायरल बोलते हैं उसको, नॉन वायरल डेड पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हमारे बॉडी की सेल्स की मशीनरी चाहिए आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जो इंट्रासेलुलर पैथोजन जैसे वायरसेस हो गए, जो ये हम माइकोबैक्टीरियम ने एक बार डिटेक्ट किया था, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर पैथोजन। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो इंट्रासेलुलर पैथोजन। ठीक है, तो
तो इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस और एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, अगर अगर इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करती हैं तो उसको अपने सरफेस पे प्रेजेंट करती हैं, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होती है, साइटोटॉक्सिक। अब जैसा नाम ही बताता है साइटोटॉक्सिक, ये सेल को जो इन्फेक्टेड सेल होती है उसी को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है। अब टी हेल्पर सेल्स बहुत जरूरी है इम्यून रिस्पॉन्स एलिक्ट करने के लिए, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एलिक्ट करने के लिए टी हेल्पर सेल्स बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हमने पिछली जो टी इंडिपेंडेंट बी सेल रिस्पॉन्स में देखा था, क्या देखा था टी इंडिपेंडेंट बी सेल रिस्पॉन्स में, कि बी सेल्स बहुत ही कम समय तक इम्यूनिटी देती है, ठीक है। अगर ज़्यादा समय तक तुम्हें इम्यूनिटी चाहिए तो टी हेल्पर सेल्स बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, वो बी सेल्स जाके हमारी बॉडी में अलग अलग लिम्फ नोड्स हैं, माइस में रैट में देखे हैं ना लिम्फ नोड्स, ठीक है, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं अलग अलग, ठीक है। लिम्फ नोड्स एक तरह के फिल्टर्स भी बोल सकते हैं, इम्यून सेल्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो ये बी सेल्स जाके जर्मिनल सेंटर होता है, एक जर्मिनल सेंटर होता है लिम्फ नोड, ठीक है, वहां जाके माइग्रेट करती है। तो टी सेल्स एक्टिवेट करती है बी सेल्स को जर्मिनल सेंटर में माइग्रेट करने के लिए। अब जर्मिनल सेंटर में जाके बी सेल्स का मैच्यूरेशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों होता है, ठीक है। पिछली स्लाइड में जो मैंने तुम्हें बताया था उसमें मल्टीप्लीकेशन और मैच्यूरेशन इतना फास्ट नहीं हो रहा, ठीक है। मैच्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैच्यूरेशन जर्मिनल सेंटर में इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ टी सेल्स जिसको हम बोलते हैं टी फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स ने बी सेल्स को धक्का दिया कि वो जर्मिनल सेंटर में जाओ, ठीक है। उसके बाद जब वो जर्मिनल सेंटर में चलेगी तो टी फॉलिकुलर सेल्स की प्रेजेंस में ये जो बी सेल्स हैं ये नंबर वन मैच्योरेशन, इनका मैच्योरेशन होता है, और नंबर टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब मैच्योरेशन भी हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, इसमें से कुछ मैच्योर बी सेल्स जर्मिनल सेंटर के बाहर माइग्रेट करती है, ठीक है, और हमारी बॉडी में बोन मैरो में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। दोस बी सेल्स कॉन्स्टिट्यूट मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। बाकी की जो बी सेल्स बच गई वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बी सेल्स जब बहुत सारी मल्टीप्लाई करेंगी, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगी? प्लाज्मा सेल्स, वो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी, और प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी आगे जाके? एंटीबॉडीज बनाएंगी, ठीक है, वो एंटीबॉडी बनाएगी और उसको एलिमिनेट करेगी, ठीक है। अब अगली बात है वो पैथोजन जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीनेशन की है, ठीक है, जो एंटीजन हमने इंजेक्ट किया है, अगर वो अटैक करेगा हमें तो ये मेमोरी सेल्स बैठी हैं, ये लंबे समय तक रहती हैं, कई बार ये कई कई सालों तक भी रहती है, ठीक है। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती हैं, वेयर एज कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसका हमें बूस्टर देना पड़ता है, हमने अपनी मेमोरीज हमारी इम्यून सेल्स को हमें याद दिलाना पड़ता है कि भाई एक्टिवेट हो जाओ, ये पैथोजन दोबारा से अटैक कर सकता है। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, अगर तुम देखोगे वो एक देश की तरह होता है, एक कंट्री की तरह होता है। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक देश की तरह, एक कंट्री की तरह, ठीक है। और कंट्री पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रही है, ऐसे ही हमारी इम्यून सेल्स भी हमारी बॉडी